नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ का विषय विज्ञान होगा, वर्कशीट नंबर 89 होगा, जो कि आपका 22 फरवरी 2021 के लिए होगा। आज हम देखेंगे जीव जनन कैसे करते हैं, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ। तो चलिए, मादा जनन तंत्र में आंतरिक बाह्य अंग होते हैं। इस तंत्र का कार्य नए जीवों को जन्म देना है। मानवों में मादा जनन तंत्र जन्म के समय अपरिपक्व होता है। किशोरावस्था में जनन कोशिकाएं बनाने के लिए विकसित हो जाती है। क्या होता है? तो इसमें आपका जो आंसर होगा पहला बी होगा, ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद सेकंड है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? तो आपका जो है ना इसमें गलत है, बाकी ये जो निषेचन का अस्थाई स्थान गर्भाशय में होता है ये गलत है, बाकी ये सारे सही है, ठीक है। तो आपको गलत बताना है, राइट। थर्ड है, निषेचित अंडकोशिका का जीवन काल कितना होता है? तो बच्चों, निषेचित अंडकोशिका का जीवन लगभग जो माना जाता है वो एक मास माना जाता है, ठीक है, एक मास माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है, चित्र दिया गया चित्र मादा जनन तंत्र है, इसमें से ए और बी भागों के नाम लिखिए। तो इसमें ए और बी भागों का नाम आप सभी को पता है, ये क्या है, ए अंडवाहिका और बी जो है ना इसमें योनि है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये VVI MCQ है फॉर बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप याद रखेंगे अच्छे से। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।